अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, कल ही शबे बारात की एक इबादत की रात थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज तक भी एक ऐसा कब्रिस्तान था जहां पर साफ सफाई नहीं की गई। इससे बड़ी अफसोस की बात क्या होगी, जहां बड़े बड़े बातें और दावे किए जाते हैं, लेकिन अमली तौर पर पूरी तरह से लापरवाही बरतते हैं और पूरी लापरवाही करते हैं, चाहे वो MLA हो या फिर कॉरपोरेटर या फिर मुकामी लीडर या फिर वो मस्जिद के जिम्मेदार या फिर कब्रिस्तान के जिम्मेदार या फिर वो मुकामी लोग जो ये नहीं चाहते कि कब्रिस्तान साफ रहे। नाज़रीन, बुद्दी अली शाह खिड़की लाल मिट्टी की दरगाह आजमपुरा वाक़े मलकपेट में ये कब्रिस्तान वाक़े है। आप देख सकते हैं इस कब्रिस्तान की हालत कि आज सुबह फजर के बाद लोग यहाँ पर कब्रिस्तान पहुँचते हैं इबरत के लिए और जिनके भी इंतकाल हुए हैं उनकी खबरों पर फूल चढ़ाकर दुआ मांगने के लिए। लेकिन अफसोस की बात यह रही कि कब्रिस्तान के अंदर और बाहर कचरे के अंबार पड़े हुए रहे। हद तो ये हो गई कि कब्रिस्तान के अंदर शराब की बोतलें भी देखी गई। इससे बड़े अफसोस की बात क्या होगी जो इस तरह से लापरवाही का मुजहरा किया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से लाखों रुपये दिए जाते हैं कमेटियों को, दरगाह कब्रिस्तान के जो जिम्मेदार उनको, ताकि वो कब्रिस्तान का तहफ्फुज़ कर सके, कब्रिस्तान में साफ सफाई करे, ताकि जो भी लोग कब्रिस्तान को आते हैं उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन यहाँ पर अब उल्टा हो रहा है। अब यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता अवाम के कोई मसलों को हल नहीं किया जा रहा है, अवाम की हर परेशानियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। अब हद ये हो गई है कि अब कब्रिस्तानों को भी नहीं देखा जा रहा है। अब ये भी इसमें जो रुपये लगते हैं, अब वो रुपये कहाँ गए, कौन देगा ये हिसाब? काम के नाम पर सिर्फ धोखा दिया जा रहा है, ये बड़ी अफसोस की बात है। यही कि मुकामी लोगों ने ये वीडियो लेकर हम तक पहुँचाया ताकि हम इसको मंजराम फैलाएं। मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। इसलिए ये कब्रिस्तान का क्या हाल है, और ये देखो ये कचरा पड़ा हुआ है, अंदर जाने के लिए भी जो है जगह नहीं है, और जो बुजुर्ग भी पड़ा हुआ है और पूरा अंदर भी जो है पूरा कचरा पड़ा हुआ है। क्या इंतजाम है जो है समझ के बाहर है। हाँ, और आप देखो यहाँ पर कितना कचरा जो है पड़ा हुआ है। ज्यारत के लिए हम आए हैं तो जो है अंदर जाने के लिए भी जगह नहीं है, और मेहरबानी करके जो है यहाँ के काउंसलर साहब से हमारी गुजारिश है कि ये पूरा साफ सफाई कराए, अंदर भी साफ सफाई कराए और ये रास्ते को खुला दे। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी होगी। अहमद बलाला साहब, आपसे गुजारिश है कि देखिए आप और यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरा कचरा जमा हुआ है कब्रिस्तान के अंदर, जो है कचरा जमा हुआ है। हम जो है जा नहीं सकते अंदर, जो है ज्यारत नहीं कर सकते हम इसको, समझिए आप। देखो कितनी गंदगी है यहाँ पर, मेहरबानी होगी आपके जो है यहाँ पर जो है आप तवज्जो देंगे और इसको साफ सफाई कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी जो है बड़े बड़े हस्तियाँ हैं। देखो आप वहाँ पर लिखा अल्लाह मोहम्मद अली माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह या अल्लाह या